अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, आज सुबह ही सुबह मैंने सारे अपने घर के जितने भी फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, सारे मैंने निकाल दिए थे और धो दिए थे, क्योंकि बहुत ही ख़राब हुए हुए थे, मट्टी मट्टी हुए हुए थे। गर्मियाँ तो चली गई हैं अब, लेकिन ये है कि गर्मियों के असरात अभी तक जा रहे हैं। मट्टियाँ, अंधेरियाँ जो गर्मियों में चलती हैं, तो वो मट्टियों की वजह से चीज़ें बहुत ही ख़राब हो जाती हैं। तो जनाब, मैं सोच रही थी कि इनको एक दफ़ा फ़्रेश कर लूँ, ताकि आगे विंटर्स आ रहे हैं तो फिर सर्दियों में फ़्रेश फ़्रेश रह जाएंगे। तो मैंने इनको सारों को निकाला था और धो दिया था, यहाँ पे सूखने के लिए मैंने डाल दिया था। दोबारा से अपनी अपनी जगह पे फिर मैं इनको अरेंज कर दूँगी। और छोटी छोटी सी ये क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो अब दिल भी करता है छोटे छोटे से ये काम करने को। अदरवाइज़ तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता था। और जनाब, मौसम बहुत ही शानदार था, बहुत ही प्यारा मौसम, बारिश बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी होने वाली है, और ठंडा ठंडा सा मौसम हुआ हुआ था। लेकिन स्टिल अभी तक पंखे चल रहे हैं, और कभी गर्मी हो जाती है दिन में, कभी ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े से बच्चों के भी गले ख़राब हैं। मेरा भी कुछ गला ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर कर ही लूँ। मेरी वीडियो काफ़ी दिनों से बनी हुई थी, इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो खैर, यहाँ पर मैं कर रही थी जनाब ओवन की सफ़ाई, और इसको मैं अच्छे से कर रही थी क्लीन, क्योंकि ये बहुत ख़राब हुआ हुआ था। और उसी क्लीनर से कर रही हूँ जिससे मैं अपना स्टोव साफ़ करती हूँ, शेल्फें साफ़ करती हूँ, तो उसी से मैं इसको अच्छे से, मैंने इसको लगा के छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैं दो चार दिन छोड़ के ही ओवन को साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी यूज़ हो रहा होता है माइक्रोवेव तो। लेकिन इस दफ़ा कुछ लेट हो गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे ख़राब हुआ हुआ था, और मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं जा रही थी, मुझे इसको क्लीन करना था। और आज मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ। तो जनाब, ये जो ऊपर मैंने इसके कवर चढ़ाया था ना, बहुत ही प्यारा है, अच्छा है, लेकिन इसको मैंने अब उतार दिया है, क्योंकि मेरे ओवन के ऊपर जो छोटी छोटी सी जालियाँ बनी हुई हैं ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम गर्म करते हैं तो यहाँ से गर्म हवा निकलती है, तो वो फिर ओवन के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं डरती थी कि ऐसा ना हो, कोई नुकसान हो जाए, इसी वजह से वो कवर मैंने अभी उतार दिया है। या फिर उस कवर को मैं इस जगह से काट लूँगी, ताकि यहाँ से हवा निकलती रहे और ओवन का कोई नुकसान ना हो, और फिर उसको दोबारा से बिछा दूँगी। अच्छा, जो मेरा कवर है वो वाशेबल है, उसको मैं धो लूँगी, तो उसको दोबारा से फिर मैं बिछा लूँगी यहाँ पे। अभी मैंने इसको लिक्विड लगा के छोड़ दिया है, अब इसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ क्लीन। और साथ साथ मैंने सालन भी चढ़ा दिया था, आज मैंने भिंडियाँ बनाई थी। रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत दफ़ा भिंडियों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो क्योंकि छोटा सा काम था, भिंडियाँ फटाफट से तैयार हो जाती है, तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं ओवन को भी साफ़ कर लूँ। तो जनाब, जब तक मैं करती हूँ इसको क्लीन, आप लोगों ने करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा। तो जनाब, यहाँ पे ओवन मेरा क्लीन हो रहा था, और इसकी प्लेट भी मैंने निकाल दी है शीशे वाली, इसको भी मैं साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से, गीले स्पंज से धो के अच्छे से साफ़ करके फिर मैं इसको क्लीन कर दूँगी और ड्राई कर दूँगी। साथ ही मैंने दूध भी बॉयल कर दिया था, और दूध बॉयल करने के बाद कभी भी आप शेल्फ़ पर इस तरह से डायरेक्ट गर्म गर्म देख को मत रखा करें। सालन हो, दूध हो, कुछ भी हो, जब भी आप शेल्फ़ पर रखते हैं तो शेल्फ़ का कलर ख़राब हो जाता है, या चटक जाती है, या फिर उसकी लुक वो नहीं रहती। तो मैं यहाँ पे एक स्टैंड रखती हूँ हमेशा ही, दूध बॉयल करने के बाद उसके ऊपर फिर मैं दूध को रखती हूँ। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और हमेशा ही दूध के ऊपर ढक्कन फ़ौरन से लगाया करें, क्योंकि कुछ भी गिर सकता है इसके अंदर, तो सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखा करें। तो ये जनाब, मैंने इसके ऊपर फ़ौरन से इसको ढक दिया है दूध बॉयल करने के बाद, और करते हैं बाकी के सारे काम। अच्छा जी, तो फ्लावर सारे सूख गए थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की सी बाहर, और मैं सारे फ्लावर्स अंदर ले आई थी, और उनको मैंने अपनी अपनी जगह पे सारों को अरेंज कर दिया था, साफ़ सुथरे फ्रेश फ्रेश से हो गए थे, मिट्टी वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया था। अब सर्दियों में मुझे दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जी जनाब, तो ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन पाकिस्तान का मैच था। और मैच वाले दिन हमारे घर में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, बच्चे हम सब जो है मिल बैठ के मैच देखते हैं। मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से देखते हैं और हम भी बहुत शौक़ से देखते हैं, और बाकायदा हम लोग एहतमाम के साथ बैठते हैं और देखते हैं। हमारी केबल नहीं आ रही थी और बच्चों ने लैपटॉप के ऊपर मैच लगाया हुआ था और उस पर हम देख रहे थे और चाय वगैरह पी रहे थे और बैठ के बहुत ही मज़ा आ रहा था। अच्छा, कभी कभार ऐसे एक साथ बैठ के टीवी देखने का या मैच देखने का, कुछ देखने का बड़ा ही मज़ा आता है। बच्चों के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। पाकिस्तान जीते या हारे वो तो अलग बात है, उसका दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि टाइम आपका बहुत अच्छे से गुजर जाता है बच्चों के साथ। अदरवाइज़ तो आजकल बच्चे भी मोबाइल में लगे रहते हैं और माँ बाप भी। तो जनाब, मेरे पास मलाई रखी हुई थी, काफ़ी सारी जमा हो गई थी, तो मैंने वो निकाल दी थी और मैंने सोचा कि फटाफट से उसका मैं देसी घी बना लेती हूँ। शाम को हल्की आँच पे मैंने चढ़ा दिया था उसको और आहिस्ता आहिस्ता से वो आराम आराम से पकता रहा था। मेरे पास पहले से असली घी है जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, अम्मी लाई थी, तो वो मैं अभी यूज़ कर रही थी। तो मैंने अभी मलाई काफ़ी सारी जमा की हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा उसका काफ़ी सारा जो बनेगा बना के मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। जब वो वाला असली घी मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि मलाई कहीं ख़राब ही ना हो जाए तो मैं इसको आज बना ही लूँ। अच्छा, देसी घी बनता तो हल्की आँच पे है, टाइम टेकिंग काम होता है, चम्मच आपको मुस्तकिल चलाना पड़ता है वरना वो नीचे से लग जाता है, तो बहुत ही अजीब सी जली जली सी स्मेल आती है उसमें से। तो खैर, वो मैं आराम आराम से उसको बनाती रही थी और ये देखिए वो तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है अब। और साथ ही मेरी बेटी यहाँ पर चिप्स बना रही है, बच्चों को शाम को छोटा मोटा सा चस्का चटखार कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो अपने लिए चिप्स बना रही थी यहाँ पे। चलिए जी, साथ ही साथ मेरा देसी घी भी तैयार हो गया था और मैं इसको छान के अच्छे से इसमें एक डब्बे में डाल के रख दूंगी। और पहले वाला जो है वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अच्छा, इसमें जितना भी छान होता है नीचे से, जितना भी छान इसका नीचे जमा हो जाता है उसमें काफ़ी सारा घी होता है, तो इसको अच्छे से प्रेस कर करके ना इसमें से सारा घी मैं निकाल लूँगी और इसको मैं सेव कर लूँगी। और जनाब, यहाँ पे ये देखें, बच्चों को चिप्स का बड़ा शौक़ हो रहा था, बारी बारी सारे अपनी अपनी प्लेट चिप्स की बना के जा रहे थे। और देखें किचन का जो बच्चों ने हाल किया है, और बच्चों को शौक़ तो बड़ा होता है किचन में काम करने का, लेकिन बना के चीज़ और निकल जाते हैं, उसके बाद सफाई मुझे करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि मैं बच्चों को मना नहीं करती काम करने से, रोक टोक नहीं करती, मैं कहती हूँ आप लोग आराम से काम कर लो, उसके बाद मैं क्लीनिंग कर लूँगी। जो ही बच्चे किचन से निकले तो मैंने फ़ौरन से अपने चूल्हे को साफ किया, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा चूल्हा जब ख़राब हो जाता है तो फटाफट से मैंने इसको क्लीन किया। मुझे बहुत ही उलझन हो रही थी, बच्चे काम करते तो हैं किचन में लेकिन वो उस तरह से किचन को क्लीन नहीं कर सकते जिस तरह से हम लोग करते हैं। तो खैर, वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएंगे, अभी उनका प्रोसेस चल रहा है सीखने का। तो खैर, वो अपना चिप्स वगैरह बना के चले गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से क्लीन कर लूँ अपना सारा किचन। जी जनाब, तो शाम का खाना तो मैंने नहीं बनाना था, बच्चों ने अपने लिए छोटा मोटा कर लिया था चिप्स वगैरह, तो मैंने फोकस अपना सारा असली घी पे रखा। मेरा असली घी तैयार हो चुका था और मैं इसको डब्बे में बंद करके अब फ्रिज में रख दूंगी, अभी मुझे इसको यूज़ नहीं करना। इंशाल्लाह ताला फिर जो पहले वाला ख़त्म हो जाएगा फिर इसको यूज़ करूँगी। अच्छा जी, तो मेरी बेटी की यहाँ पे बर्थडे थी, बड़ी वाली बेटी की, आयशा की, और हमने रात को 12 बजे केक कट किया था, सारे बच्चों ने बैठ के, और आयशा को विश किया था।
सरप्राइज़ दिया था ऐशा को, और रात को हमने लेट नाइट केक कट किया था बच्चों के साथ बैठ के। तो जनाब यहाँ पे मेरा व्लॉग भी होता है, एंड अगर मेरा व्लॉग पसंद आया जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और व्लॉग पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जी अल्लाह हाफिज़।